छात्रों, आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लर्निंग आउटकम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को लर्न करने के बाद हमें क्या क्या आउटकम मिलेंगे, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, क्यों हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, इसके लर्निंग आउटकम के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स हो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो आपकी पांचवे सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट है, इसके हम लर्निंग आउटकम आज डिस्कशन करेंगे। तो टोटल इसके लगभग 19 लर्निंग आउटकम्स हैं। तो आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म द टर्निंग, स्टेप टर्निंग, पेपर टर्निंग, थ्रेडिंग एंड नर्लिंग ऑपरेशन ऑन लेथ। इसके अलावा रीशार्पन या ग्राइंड सिंगल पॉइंट टूल। तीसरा लर्निंग आउटकम है सेलेक्ट मटेरियल एंड टूल ज्योमेट्री फॉर कटिंग टूल्स ऑन लेथ। फोर्थ लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन यूज ऑफ लेथ एक्सेसरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ। ये जो हमारे चारों लर्निंग आउटकम्स हैं, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 कटिंग टूल एंड कटिंग टूल मटेरियल और चैप्टर नंबर 2 लेथ, इसके द्वारा हमें मिलेंगे। तो जो आपका परफॉर्म टर्निंग, स्टेप टर्निंग, पेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, ये ऑपरेशन है जो लेथ के ऊपर किए जाते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 2 द्वारा मिलेंगे। इसके अलावा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की ग्राइंडिंग करना, तार लगाना, उसको शार्पन करना, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से प्राप्त होगा। सेलेक्ट मटेरियल एंड टूल ज्योमेट्री फॉर कटिंग टूल्स ऑन लेथ। कटिंग टूल मटेरियल के बारे में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, वहां से हमारा लर्निंग आउटकम होगा। और एक्सप्लेन यूज ऑफ लेथ एसेसरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ। लेथ की जो एसेसरीज होती है वो डिफरेंट टाइप्स के लेथ के ऊपर ये हमारा लेथ चैप्टर से मिले। तो जो हमारे ये पहले चार लर्निंग आउटकम है, ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से प्राप्त। तो ये हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, आपका पांचवा लर्निंग आउटकम है, दैट इज परफॉर्म ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग एंड टेपर टर्निंग ऑपरेशन ऑन ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग में क्या किया जाता है, ड्रिलिंग के अंदर होल बनाए जाते हैं, छेद बनाए जाते हैं, उस होल को फिनिशिंग करने के ऑपरेशन को हम रीमिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग, एज के ऊपर हम उसको बड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो जो हमारा सरफेसिस है उसके ऊपर कोई टकराव ना हो। टैपिंग का मतलब होल बनाना, ये सारे ऑपरेशन हमारे ड्रिलिंग मशीन के ऊपर किए जाते हैं। तो ये जो हमारे लर्निंग आउटकम है, ये ड्रिलिंग चैप्टर के अंदर हमारे मिलेंगे। जैसा कि हमारा फिगर के अंदर दिखाया गया है कि हम कोई होल बनाना है, छिद्र बनाना है, एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन से किस तरह बनाते हैं, ये आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रिल एंड मिल कटर। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मिलिंग। मिलिंग मशीन एक्सेसरीज एंड अटैचमेंट। परफॉर्म मिलिंग मशीन ऑपरेशन ऑन वर्टिकल मशीन्स। ये जो हमारा लर्निंग आउटकम है, ये हमारा कहां मिलेगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर ये हमारा लर्निंग आउटकम्स मिलेगा। तो जब हम चैप्टर नंबर 3 मिलिंग मशीन पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारे ये चारों लर्निंग आउटकम मिलेंगे। क्या क्या, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के अलावा वेरियस टाइप ऑफ मिलिंग मशीन्स, कटर, मिलिंग कटर के बारे में उसका नाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के, ये सब हम नोमेनक्लेचर के अंदर। और मिलिंग मशीन के बारे में कि मिलिंग मशीन हमारी कितने प्रकार की होती है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या उसकी उपयोगिता है। मिलिंग मशीन एसेसरी एंड अटैचमेंट,
क्या क्या उसके अंदर अटैचमेंट लगते हैं, क्या क्या अलग से हमारे वेरियस टाइप की एक्सेसरीज लगती हैं, और परफॉर्म मिलिंग मशीन ऑपरेशन ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। क्या क्या कार्य हम उसके ऊपर कर सकते हैं, गियर बना सकते हैं, कीवे बना सकते हैं, किस किस तरह के कार्य हमारे किए जा सकते हैं, ये हम जो है मिलिंग मशीन के अंदर, तो ये सारे हमारे जो लर्निंग आउटकम है ये मिलिंग मशीन के अंदर हमें प्राप्त हो, जैसा कि फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है। मिलिंग मशीन की वेरियस टाइप्स होती हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन और स्पेशल पर्पज मिलिंग मशीन, ये हमारी वेरियस टाइप की मिलिंग मशीन्स। इनके बारे में हम जानेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है मिलिंग मशीन। जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, क्रॉस रेल है, स्पिंडल कैरियर है, स्पिंडल कैरियर है, वर्क पीस है, किस तरह हमारा वर्क पीस लगता है, ये टेबल के ऊपर कैसे रखा जाता है, टेबल के नीचे बेड कैसे है, इसकी सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, चैप्टर नंबर 3 दैट इज मिलिंग। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है, परफॉर्म कीवे कटिंग एंड एंगुलर स्टेप सरफेस शेपिंग ऑन शेपर, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, वेरियस टाइप ऑफ लेथ टूल्स एंड टूल मटेरियल्स। तो ये सब हम इसके अंदर जानेंगे, 10वां और 11वां लर्निंग आउटकम शेपिंग एंड प्लेनिंग चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है। इसके अंदर शेपिंग और प्लेनिंग पे क्या क्या कार्य करते हैं, कीवे बनाना, स्टेप टर्निंग, स्टेप शेपिंग करना, और जो हमारा शेपर के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बोरिंग ऑपरेशन। देखिए जैसा कि हमने ड्रिल के अंदर जाना था, नया होल बनाने को हम ड्रिलिंग कहते हैं, और जो होल ऑलरेडी है उसको बड़ा करना है, एनलार्ज करना है, दैट इज कॉल्ड बोरिंग ऑपरेशन। तो एक्सप्लेन बोरिंग ऑपरेशन, फीचर ऑफ बोरिंग मशीन्स एंड बोरिंग टूल, ये हम किस में जानेंगे, ये हम बोरिंग के अंदर जानेंगे। ठीक है, एक फोन आ रहा है, एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है। हेलो, अभी हम इसकी रिकॉर्डिंग और करेंगे, और रिकॉर्डिंग करके फिर आपको डाल दी जाएगी, ये हम करना भूल गए। अभी हम सोना, हेलो, हाँ जी, अच्छा, लैपटॉप का ठीक, तो इसकी हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे, शुरू करते हैं।